सराइकेला पुलिस कप्तान ने किया कांड्रा थाने का वार्षिक निरीक्षण। थाने के क्रियाकलापों से हुए अवगत, दिए जरूरी दिशा निर्देश। बारी बारी से हर पुलिस कर्मियों से मिलकर जाना कार्यशैली, त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारने का दिया निर्देश। सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुणायत सोमवार को कांड्रा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने थाने की क्रियाकलापों का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाने के सभी पंजियों की गहनता से अध्ययन करते हुए थाना प्रभारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसपी ने लूट पंजी, गुंडा पंजी और विशेष रूप से दुरुस्त करने एवं जेल से छूटे हुए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही लंबे समय से लंबित कांडों का जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में कुछ त्रुटियां पाई गईं, जिसे एसपी ने जल्द से जल्द दुरुस्त करते हुए जानकारी देने का निर्देश दिया। उन्होंने बारी बारी से सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों से उनकी भूमिका की जानकारी ली एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान इंस्पेक्टर सह कांड्रा थाना प्रभारी अंजनी कुमार सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। कांड्रा से पिन वार्षणेय की रिपोर्ट। आज कांड्रा थाना का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में थाना में संधारित होने वाले विभिन्न पंजीयों और विभिन्न दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया है और उनकी निरीक्षण के क्रम में उनको नियमानुसार संधारित किया जा रहा है, नहीं इसकी जांच की गई है। इसी के साथ साथ जितनी भी पंजियां थाना में संधारित होती हैं, जैसे डकैती पंजी, लूट पंजी, किराए पंजी, बाकी अन्य जितनी पंजियां हैं, उन सभी पंजियों के संधारण के स्तर की जांच की गई है। इसके साथ थाना के जो पदाधिकारी हैं उनको थाना क्षेत्र के बारे में, थाना के सक्रिय अपराध कर्मियों के बारे में, दागियों के बारे में और अपराध और अपराध के पैटर्न के बारे में, उनकी जानकारी के स्तर के बारे में पूछताछ की गई है। और अपराध नियंत्रण और अनुसंधान नियंत्रण पर थाना प्रभारी का क्या कंट्रोल है, उसकी समीक्षा की गई। सर, अभी कुछ खामियां पाई गई हैं? अभी निरीक्षण शुरू किया ही जा रहा है, तो निरीक्षण के क्रम में कुछ कुछ जो खामियां भी पाई जा रही हैं, उसको त्रुटियाँ जो है उसको सुधार करने हेतु निर्देश दिया जा रहा है। और बाकी अभी तक काफ़ी संतोषजनक बनता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।